दिनांक 11 अप्रैल का घटनाक्रम थाना इंगोरिया में हुआ था, जहां हमको चंबल नदी के किनारे दो डेड बॉडीज मिली थी। और प्रथम दृष्टया ये समझ में आया कि घटना हत्या की है। हमारे पास चैलेंज ये था कि उस डेड बॉडी को आइडेंटिफाई करना, चूँकि वो डिकम्पोज स्टेट में थी। हमारी टीमों ने काम किया और जब उसका आइडेंटिफिकेशन किया तो ये जीवाजगंज थाना क्षेत्र में रहने वाले पिता पुत्र निकले। और जब हमारी टीम वहाँ पहुँची तो इनकी जो माँ है, जो 80 साल की बुज़ुर्ग थी, उसका भी शव जो है उसमें, जो उनका पलंग है उसकी जो बॉक्स है उसके अंदर पाया गया। तीनों ही जो मृतक हैं उनका पोस्टमार्टम कराया गया और बाकी इन्वेस्टिगेशन जब प्रारंभ किया गया, इन्वेस्टिगेशन चूँकि बहुत गंभीर घटनाक्रम था, सनसनीकेज घटनाक्रम था, एडिशनल एसपी श्री आकाश भूरिया और सीएसपी नेगी और एसडीओपी बड़नगर रविंद्र बोयट, इनकी डाउन द लाइन बाकी एक चार टीमें बनाएगी। चारों टीमों ने लगातार इसमें काम किया और जब प्राथमिक पूछताछ जो निकल के आई उसमें ये समझ में आया कि एक व्यक्ति जो 8 तारीख से गायब है, उसकी हमने जब तलाश प्रारंभ की तो उसका ये मालूम पड़ा कि वो मुख्य सागर जिले का रहने वाला है। कल हमारी टीम गई और सागर से जब उसको लिफ्ट किया तो पूरे घटनाक्रम का उसने स्वीकार किया। घटना के पीछे जो कारण निकल के सामने आया है कि ये मृतक जो है, इसका जो आरोपी और उसके जो सह आरोपी, दोनों आरोपी हैं, ये उसके कर्जदार थे। एक को 4 लाख रुपये लेने थे, दूसरे को 20,000 रुपये देने थे। तो इस बात से इनके बीच में एक कुछ बहस भी बीच में हुई थी और उसने को घर से आने से मना, कि मृतक को घर से आने के मना भी किया था। और इन लोगों ने तय किया कि अगर हम इस उनको मार देते हैं तो हमारा जो कर्ज वाला जो है वो पट जाएगा। इसी उद्देश्य से इन्हें घटना की है और दोनों ही आरोपियों को हमने गिरफ्तार कर लिया है। हमारी जो टीमें हैं इन्वेस्टिगेशन का, जो उनकी जिनसे पूछताछ कर रही है, पुलिस रिमांड लेंगे। पुलिस रिमांड के बाद जो और बारीक तथ्य है उस पर पूरा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके शीघ्र ही इसका अनुसंधान पूर्ण करके इसको चिन्हित एवं सनसनीखेज प्रकरण में लेकर हम इसमें डे टू डे बेसिस पर ट्रायल हो और सजा हो, इसका प्रयास करें। सर, जैसे पैसे के लेन देन को लेकर पहले विवाद हुआ तो क्या थाने पे सूचना दी गई? नहीं, इस तरह का कोई विवाद नहीं था। वो जैसा होता है सामान्य तौर पे, जो पैसा लेने गए और वहाँ जब उनसे विवाद ये हो कि तुम घर मत आया करो, इस तरह का विवाद हुआ, बाकी ऐसा कोई विवाद नहीं। सर, किस तरह से इन्होंने मारा था और किस तरह वहाँ लेके गए? जब ले जाने की बात है तो ये इनसे चर्चा ये हुई थी कि आपका पैसा हम वापस कर देंगे, हमारा कुछ उधारी का, चूँकि ये व्यापार भी करते हैं देहात क्षेत्रों में, वहाँ से हमारा कुछ उधारी का पैसा मिलने वाला है, आप हमारे साथ चलो, हम पैसा दे देंगे। ये कहकर उनको लेके गए थे और मिर्ची का पाउडर पहले डाला, जब ये लोग अचकचा गए तो उसके बाद जो इनके पास हथियार थे, एक के पास चाकू और दूसरे के पास जो